थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर टुनाइट. बाय द वे, आज फादर्स डे है, विच आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड नॉट रिमेम्बर. अब तो पता चल गया ना, क्विकली पिक अप योर फोन एंड ड्रॉप अ टेक्स्ट. तो आज मैंने पापा के लिए केक बेक किया, ओके? और बदले में ये नई ड्रेस मिली. थैंक यू. पर फिर मैंने दिन भर सोचा, अगर लंच बनाया तो क्या मिलता. यू नो, मेरे पापा बहुत ज्यादा प्यारे हैं. इतने प्यारे हैं कि एक बार मैं मैथ्स एग्जाम में फेल हो गई थी, मम्मी ने तुरंत ट्यूशंस में डाल दिया, लेकिन पापा आइसक्रीम खिलाने ले गए. इतने प्यारे हैं कि एक बार मुझे सर में दर्द हुआ तो पापा तुरंत ऑफिस छोड़ के घर आ गए. उस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच भी था. वो मेरी हर जिद को पूरा करते थे. लाइक देयर वाज दिस वन टाइम आई वांटेड टू गेट माय हेयर कलर्ड. मॉम ने ऑब्वियसली साफ मना कर दिया, लेकिन पापा चुपचाप मुझे सैलून लेके गए. देखो, मैंने तो अपने बाल ऑरेंज करवा लिए, लेकिन पापा को एक हफ्ते तक सोफा पे सोना पड़ा. पापा हमेशा कहते हैं कि बेटा पायलट बन जा, मेरे पैसे इतने तो उड़ाती है. नो बट सीरियसली, यू नो, ही वांटेड टू बिकम एन एक्टर. उनको पूरी दुनिया घूमनी थी, लेकिन उन्होंने एक 9 to 5 जॉब ली अपनी छोटी सी परी के बड़े बड़े ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए. फिर मैंने सोचा कि चलो मैं उनका सपना पूरा करती हूँ. एक्टिंग तो नहीं आती, लेकिन जोक्स मार लेती थी तो कॉमेडियन बन गई. सो ऑल द क्रेडिट गोज टू पापा. इनफैक्ट ही इज राइट हियर टुनाइट. तो अगर आप लोगों को हंसी नहीं आ रही है, आप अपना रिफंड पापा से मांग सकते हैं. किसका बजा? पापा का फोन है. नहीं नहीं, कर लो, मैं जोक बाद में सुना दूंगी. अब घर से दूर रह के मैंने बहुत शोज किए हैं, और जब भी मम्मी पापा की याद आती थी उनसे वीडियो कॉल पे बात कर लेती थी. और 100 बार सिखाने के बाद पापा को फाइनली वीडियो कॉल करना भी आ गया. आई स्वेयर ही डज इट. मैं अपने असली फादर से आज तक नहीं मिली हूं. पांच साल की उम्र तक मुझे फादर का मतलब भी नहीं पता था, सिर्फ मां को जानती थी. फादर तो कोई भी बन सकता है ना, लेकिन पापा क्या होते हैं ये आपने मुझे बताया. थैंक यू पापा. दिस शो इज डेडिकेटेड टू यू. एंड टू ऑल द अमेजिंग पापाज आउट हियर, हैप्पी फादर्स डे.